गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको इस बात की जानकारी देंगे कि सूर्यदेव मेष राशि से 14 मई दिन मंगलवार 2024 को रात में 9:55 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मेष वृश्चिक मिथुन कर्क राशि पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं तथा इनके बुरे प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या उपाय करना है, इस बात की संपूर्ण जानकारी देंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष स्कीम को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मेष राशि, मेष लग्न राशि के जातकों, इस महीने खर्च का योग बनेगा। परिवार से मतभेद होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। छात्रों को विद्या के लिए विशेष मेहनत करने की आवश्यकता है। संतान से मतभेद होने के चांस दिखाई दे रहे हैं, परंतु आयु में वृद्धि होगी, पुरुषों की शक्ति का लाभ मिलेगा। विशेष उपाय, रविवार के दिन लाल गाय को गुड़ खिलाएं। वृषभ राशि, वृषभ लग्न राशि के जातकों, इस महीने माता से मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं तथा घरेलू वातावरण में अशांति रहेगी, शरीर में कुछ दिक्कत बनी रहेगी, पति पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा, रोजगार में लाभ होगा। विशेष उपाय, बुधवार को माता सरस्वती के मंत्र का जप करें। मिथुन यानी जेमनी, मिथुन लग्न राशि के जातकों, इस महीने भाई बहन से मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं। आत्मबल कमजोर रहेगा, खर्चा बढ़ेगा, बाहरी स्थानों के प्रति सावधान रहिएगा। कंपटीशन में आपको सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, दुश्मन आपका परास्त होगा। विशेष उपाय, शुक्रवार को मखाने के खीर सफेद गाय को खिलाना। कैंसर यानी कर्क राशि, कर्क लग्न राशि के जातकों, इस महीने परिवार में अशांति के योग दिख रहे हैं। धन लाभ होने का योग दिखाई दे रहा है। संतान का सहयोग प्राप्त होगा, छात्रों को विद्या का लाभ मिलेगा, बुद्धि के द्वारा धन कमाया जा सकता है। विशेष उपाय, मंगलवार को लाल गाय को गुड़ खिलाएं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। जय माता दी।